अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, बाहर का मौसम देखें और मौसम के हिसाब से अंदर जाकर नाश्ते की तैयारी करते हैं और नाश्ता बनाते हैं, किचन में चलते हैं। आटा खत्म हुआ है, बस ये थोड़ा सा आटा निकला था। दो मैंने पराठे ये बनाए, एक ये है और एक ये बन रहा है, और दो ए बन जाएंगे। आटा खत्म हुआ है, चावल खत्म हुए ने, ते खत्म हुए ने। हुण जाना मैं अज बाजार, मैं कहते आटा चावल लैके अगू क्रिसमस ते छुट्टियां आ जाने, नवे साल दी आ जाने ते बहुत मसला पै जाना। ते हैं लुकमान दे पराठे बना दे, कल कढ़ी बनाई सी, तुहानू फिर तुहानू पता है कढ़ी दे नाल पराठे चाहिए। मैं बहुत कोशिश की बनाने की, अंडा टोस बना देवा, लेकिन नहीं, मैंने फिर एमरजेंसी से चाड़ के डब्बा आटा गुन्या। मैं दो तीन पेड़िया का ऐ हम पराठे बना के दिनी हाँ, तो अज मैं जानी हाँ आटा चावल लैन, तो शायद मैं अपना भी नाल छोटा जहा पराठा बना ही लवा। हूँ लगते हाथ तुम की कहते हो, बना लव दो बन जाने, एक बना लेनी अपना। मेरे मियाँ अज घर नहीं, सुबह सुबह काम से चले गए ने, तो वह आएंगे फिर एक उन्होंने कड़ी कर दी मैंने गर्म पकौड़े में थोड़े जे ने, कल सारे पकौड़े खा ले ने, तो खैर वह अजी भी शौक ना खा लें, रोटी हूँ तैयार हो गई, मैं बुलावा। लेकिन लोग आवाज़ ला दी है कि आके अपना खाना लै जाओ, वेखो सच्ची है डबल स्टोरी घर का ना बड़ा मसला हों जे, आवाज़ा मावा मार मार के बच्चे एडे घुने हुए रेंगे ने कि चल हूँ जिन्ना टाइम लंघ जाए लंघ जाए, आवाज़ नहीं सुनते। फायदा भी बड़ा नुकसान भी बड़ा, नुकसान है घुने बन के बैठे रहते हैं, तो बहुत आवाज़ा देनिया पैदा ने। ले जाओ, हाँ जी मेरे जूता दे के जाओ, चप्पल ए मेरी चप्पल जेड़े ना मेरे पल भाई आंदा भी जमीन ते पई हुंदी इत्थे मैं चप्पल ला के ना जानी है इत्थे, क्योंकि मैं ना कारपेट ते नहीं, मेरी आदत नहीं है चप्पल इत्थे उतार के मैं सोफे ते बहना हुंदा, ए आंदा वे मेरी चप्पल पा के उत्ते चले जांदा, हुण वेखो लियाएगा ते मेरे को बिल्कुल नहीं तुरिया जांदा चप्पल दे बगैर। रखो इत्थे एक चप्पल उत्ते पई, पता ना तेनू उही तू ही पा के गया वे, हाँ थले नहीं लिया तो आएगा दोबारा फिर यही पा जाएगा हसदा है हद मुक्की पई, हस हासा चढ़िया। हाँ वेखो जी मैं क्या सी ना आटा मुक्या है, बिल्कुल खाली हो गया, खाली डब्बा पाकिस्तान आई सी ना 2006 च, उदो डिनर सैट आता सी प्लास्टिक का, यदा एक पीस बचिया सिर्फ है प्याली जिदा मैं रखिया है आटा पाने लई, ढक्कना भी लाइए तो आटा अज लियाने ये हाल वेखो, इन्हें साफ करने आटा बिच पाने ने अपनी भी कड़ी गर्म कर ली है बगैर कोड़ू के, और छोटू सा मैंने पराठा बनाया, पराठा नहीं बनाया मतलब ऊपर ही बस हल्का फुल्का घी लगा के, तो ये मैंने अपना नाश्ता बना लिया। और यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पास्ता, मैंने कहा एक ही हल है, वे बच्चों ने स्कूलों चो आ जाना है तो आटा आना लेट, क्योंकि मैंने बाद में जाना है जब बच्चे घर आएंगे फिर मैंने जाना है। मैंने आप पास्ता बनाना शुरू कर दिया, मैं कहना इन्होंने लिए ना यह रख छड़नी है, तो खाना तो बरात क्यों बनेगा जब चीज़ें आएंगी। तकरीबन साफ है, मशीन मैंने चला दी हुई है, बर्तन वगैरह कोई नहीं है, बस साफ सुथरा किचन है। अब यहाँ से जाके मैं अपना नाश्ता करूँगी, तो वेली कोई काम नहीं आज मैनू, क्योंकि काम है ना लेकिन लेट काम ने, भज दौड़ वाले नहीं है। चलो चलने, नाश्ता मैंने अपना कर लिया, उसके बाद ये भी है इनको भी मैंने करवा दी, अब दोनों की चाय बना रही हूँ, चाय बनाऊँगी तो उसके बाद बाहर जाऊँगी, देखो क्योंकि किन्ने बजे जाने, क्योंकि बच्चे का इंतजार करन दे, या बच्चे आने ना फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बाजार ना। अच्छा जी, आटा और चावल मैंने कोई नहीं लिए, मैं ना चाय पी के था कि इनके साथ जाऊंगी, लेकर इनको ही आगे सवारी तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया घर ही, कहते मैं उतों आप ही ले लाँगा। तो शाम का टाइम हुआ है, मैंने कहा हाय चलो शुक्र है मैं नहीं जा रही ना, मैंने ठंड तो बाहर जाना बड़ा ही औखा लगता, लेकिन मिशाल को आज जाना था अपना प्रैक्टिकम का पता करने के लिए, काम ढूंढ रही है। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं ना, कुछ जो बड़ी क्लास में होते हैं उनको साथ साथ थोड़ा बहुत सीखने के लिए उनको देते दो दो हफ्ते के लिए प्रैक्टिकम करें काम करें, तो वो हूँ पता नहीं खलकत ही इन्नी आ गई काम की तुला बधा नहीं, बच्चियाँ बेचारियाँ खज्जल हो गई नहीं, इसे दो तीन दिन ये सिटी जाती रही है कि चलो मैं हर मार्केट में अपनी ईमेल वगैरह दे के आई है, अपनी वेब लिख लिख के देती आई है कि मुझे कोई फ़ोन कर ले, पर मुझे किसी ने फ़ोन किया है, तो खैर ये खुद पता भी करके आई कि मैं आपके पास आई थी, तो वो कह रहे अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा है हेल्पर, हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आई है, खौफलैंड है, म्यूलर, यहाँ पे छोटे छोटे सेंटरों में आपको पता ही है, तो यहाँ पे अब देने आई अपने मेल वगैरह, या उनको पूछेगी जो भी शेफ होते हैं काम करने वाले के कहते हैं उनको बोलने आई है कि मैनू तुसी काम दे रख लो, मैंने इन्ना तरस आंदा मेरा कि क्या करे बच्चे को, वो पूछते हैं कि तुसी कुछ करते पे हो कि नहीं करते, लभ्या कि नहीं लभना इनकी, फिर वो ना
रिपोर्ट में जाता है। तो खैर यहाँ पे आइए, अभी हर एक एक मार्केट में जाकर इसने अपने वो फ़ोन नंबर देना है, अपने ईमेल वगैरह देना है, उनको पूछना है। तो मैं पीछे पीछे कोई नहीं, मेरा काम ना काज, लेकिन फिर भी मुझे बाहर आना पड़ा इसके। लेकिन ये था ना कि वो तो कह रही थी मैं बस में चले जाऊँगी, मैंने कहा अच्छी बात नहीं है ना, मैं अब वेली घर बैठी सोफे थे तो बेहतर बच्ची को साथ ही ले जाती हूँ, रात का टाइम था। तो खैर ये अभी जाएगी तो मैं साथ साथ मार्केट का विज़िट करूँगी। ये फर्स्ट टाइम इस मार्केट में आई हूँ, खिलौने वाली दुकान, खिलौने वाली शपील जो होते हैं ना ऐसे वाले, तो मैंने बड़ी हंसी आ रही है, छोटे छोटे अगर अफान आफ ही आते तो मैंने ऐसी चीज़ें ही उठा के घर लेके आनी थी। बड़ी चीज़ें इनकी ली हमने, खिलौने इतने लिए, अब वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, अब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हाउस भी आफिया के मैंने लिया था, किचन भी लिया था, अब शाल का लिया था। वही बात ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी चीज़ें और आ जाती हैं, और उनको अब इलेक्ट्रॉनिक जो शपील होती है वो उनको चाहिए। ऐसे ऐसे खिलौने अब कौन वो पूछते नहीं है, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ें, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने में। अच्छा बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने के लिए या किसी किसी और के बच्चे को फिर बड़े अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे ना। तो खैर यहाँ पे मैं होगी गुम, मेरी लंबी मार्केट इतनी लंबी लंबी इसकी दीवारें थी, मैं हर दीवार में हर गली में जाके देख रही थी मिशाल कहाँ चलेगी, मिशाल कहाँ चलेगी। तो खैर अभी उसका मुझे फ़ोन आया कि मैं इधर हूँ, फिर मुझे एक गली में नज़र आई किसी के साथ बात करते हुए, मैंने कहा चलो शुक्र है नज़र आ गई है। तो अभी आ रही है पूछ के कि क्या बना है। तो प्रैक्टिकम का पता करन आई, क्योंकि हूँ तो बच्चों को प्रैक्टिकम मिलते ही नहीं है इस दुकान पर आई है, मैं लगता है उम्मीद लगी हूँ लैके आ गई है की कहती हाँ, चलो अल्लाह करे मिल ही जाए। बड़ी बच्चों को परेशानी हो जाती इतने, जी भी हिसाब बच्चे पढ़ने तो नाल काम भी सीखन, तो इन हूँ प्रैक्टिकल नहीं लभन दिया, बहुत इन्हें शहर तक फिरी अज हूँ इतने मैं लैके आई हाँ, वेखो इन मिलता वे कि नहीं मिलता, अरे अल्लाह करे मिल ही जाए, बड़ी परेशान है, देखो की बन रहा है। उसको मिल रहा नहीं है, क्यों इतनी चीज़ें तो करना तो है ना, सिलेक्शन थोड़ा होना सीढ़ी है, हाँ ला करे मिली जाए। चलो आगे चलते हैं अगली दुकान पे चलते हैं। आप कौन सी दुकान? मूलर मार्केट है, साथ कॉफलैंड है, हाँ चलो जिथे भी जाना है तुम पता कर, पता तो करिए, चलो पूछो आप। चलो जो फैमिली मार्केट सुंदर आ गए हैं, दुआ करो कितने ना कितने सारे पासे नंबर दे जाती, कोई ना कोई तो फोन करेगा ना बाजी नू, बाजी आ जाओ अल्लाह करे। तो जी फैमिली जी बस निकल आए बाहर, हूँ अस चले मूलम मार्केट में, उत्थे देखे सानू मिलता कि नहीं मिलता, इतने वड़न लगे हाँ, इतने और अपना नंबर दे के जाती है, देखो कितों सानू सब तो पहले इतदा होंगी। क्या बने अब मैंने नंबर कह लिखा है उसमें, हाँ मेरा नाम लिखा है, और वो कह रही थी या मैं फिर उसको कह दूँगी आपके पास टाइम है। अच्छा वो लिख लिया सारा कुछ उसने, अल्लाह करे मिल जाए। चलो इधर से शैम्पू वगैरह फिर देख लो फिर चले, आप तो नहीं ना कहीं जाना, वो देखा तो जाना कहाँ पे वाला अभी। अच्छा अच्छा चलो इधर से फिर शैम्पू वगैरह ले जाते हैं ना, है हाँ तो देखो ना कौन सी आप लेती हो, कोई भी लेती हूँ मुझे आपको पसंद है। माहिर मास्क लगे हैं, ये ले लो कौन सा अच्छा है, ये क्या लिखा है अनानास है फ्रूट, नहीं नहीं बनाना का लो, बनाना का ये बनाना है, यहाँ तो बनाना का अच्छा होता है, और फिर ले लेते हैं। हाँ चलो स्पूलिंग कौन सी लेनी है, ये बाबा का शैम्पू ख़त्म हुआ है, ये वो यूज़ करते हैं ना, हाँ अच्छा आपका भी आपने ये लेना है इस तरह का, ये मुझे आप यूज करती हो ना, आप ये करती हो ना, ये हाँ लो स्पूलिंग भी लो अपनी, सवाई ले लो मिशाल, ऐसे दो तीन निकल जाते मंथ, टोकरी भी नहीं लेके आए हम, चलो मैं पकड़ लेती, बाबा के एक शैम्पू और ले लो, भाई का शैम्पू कहाँ है, इधर बड़ा नहीं उधर भी है वो देखो बड़ा लगा बैंगे बोट में, कम पता नहीं लभना है कि नहीं लभना, मैं कहा शैम्पू तो चुको ना, जिन्हें शैम्पू सस्ते लगे से मैंने फिर ले लिया, बड़ा आराम ना तुसी ना महीना नहीं, क्योंकि हर किसी अलग अलग शैम्पू ने तो महीना आराम थोड़ा लंघ जाता है। चलो जो हम इतने गई है स्पोर्ट वाली दुकान पर, वेखो इतने मिलता वे कि नहीं है, वे हर जगह तो अपना ना पता देन दे, कितना कितने तो फोन आएगा, तो असं इतने चलने ड्राई फ्रूट जी तुरकिया नहीं होंगी, अखजूर कहते अखजूर खजूर लगी हुई है, दो जोर वो लैने लगिया ने की अंजीर, ए लगे ने नमक आले मिर्च आले सारे दाने शाने, ए की तीन और भी खजूर है, इन्हें मिला तीन और भी खजूर ने।
यहाँ पे मिशाल को लग गई भूख, बड़े लालच दी तेरे घर में ये बने वो बने, लेकिन बच्चा बाहर आ जाए तो कितने रह होंगी। तो खैर इसने अपने बाबा को फ़ोन किया कि हम घर जा रहे हैं, घर जाने से पहले हमारे पिज़्ज़े घर में जाने चाहिए। तो जैसे घर पहुंचे हैं पिज़्ज़े वाला भाई दरवाजे पे खड़ा था, पिज़्ज़े लिए इनसे दो पिज़्ज़े मंगवाए थे उन्होंने, एक फिश का एक सब्जी का। बच्चे ने खाधे पिज़्ज़े, तो इतने मिनट तो वो इजाज़त वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।